आज 58 दिन हो गए बागजान गैस तेल रिसाव के, 45 दिन हो गए अग्निकांड के, पर आग आज भी जल ही रही है। आज भी बागजान त्रासदी के पीड़ित आश्रय शिविर में जीवन बिताने को मजबूर है। सबके जेहन में बस एक ही सवाल, कब बुझेगी यह आग। असम के तिनसुकिया जिले के बागजान स्थित आयल इंडिया के खनन क्षेत्र BGR-5 में 27 मई को एक विस्फोट के साथ गैस के साथ तेल का रिसाव प्रारंभ हुआ था, जिसमें 9 जून को भयंकर आग लग गई थी, जो आज भी लहलहा रही है। गैस तेल रिसाव एवं अग्निकांड से उत्तरांचल के सैकड़ों परिवारों का सब कुछ जलकर खाक हो गया था। आज भी सैकड़ों परिवार अपना सब कुछ गंवा कर आश्रय शिविरों में जीवन बिता रहे हैं। इधर 22 जुलाई को तिनसुकिया जिले के बागजान स्थित आयल इंडिया के BGR खनन क्षेत्र में गत 9 जून से लगी आग को नियंत्रण करने की प्रक्रिया के दौरान हुए हादसे में 3 विदेशी विशेषज्ञ घायल हो गए, जिन्हें तत्काल डिब्रूगढ़ के आस्था हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। घायलों की पहचान एंथनी स्टीवन रेनॉल्ड्स, डक डलास एवं क्रेग नील डंकन के रूप में हुई है। तीनों सिंगापुर की मेसर्स अलर्ट डिजास्टर कंट्रोल कंपनी से हैं। उल्लेखनीय है कि गत 27 मई से BG-5 खनन क्षेत्र से गैस के साथ कंडेंसर तेल का रिसाव हो रहा है, जिसके चलते बृहत्तर बागजान अंचल के सैकड़ों परिवार आश्रय शिविरों में पनाह लिए हुए थे। इसके बाद 9 जून को दोपहर के समय एक भयंकर विस्फोट के साथ खनन क्षेत्र में आग लग गई, जिसके चलते अंचल के सैकड़ों परिवारों का सब कुछ जलकर खत्म हो गया। आज वह परिवार आश्रय शिविरों में जीवन बिता रहे हैं। आग लगे हुए 45 दिन हो गए, पर आग आज भी जल रही है। आग बुझाने हेतु विदेश से विशेषज्ञ बुलाए गए थे, जो एक हादसे में घायल हो गए। इस त्रासदी में बेघर हुए लोगों के दिल पर पड़े घावों में मरहम लगाने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल सहित कई मंत्री विधायक पहुंच चुके हैं, पर मुआवजा मिलने की आस लिए एक आश्रय शिविर में रह रहे शुक्लेश्वर मोरान नामक व्यक्ति हताश होकर आत्महत्या का रास्ता चुन चुका है। आयल इंडिया द्वारा अभी तक महज 11 पीड़ित परिवारों को ही मुआवजे के तौर पर 20-20 लाख रुपयों के चेक प्रदान किए गए हैं। अब तो बस सबकी यही आस है कि यह आग कब बुझे, बागजान के जनजीवन हेतु कब नया सवेरा हो। ऑयल इंडिया लिमिटेड और गाफिलतीत जो 27 मई तारीखे बागजान BGR-5 गैस और पसंद चाप तेल निगमन हो जो 9 जून तारीखे जुए रूप लैसी সেই বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডলৈ পৰিণত হৈ বাগজান গাঁও বহুতো ঘৰ বাৰী লগতে খেতি মাটি বিনষ্ট হ'ল। বাগজান গাঁও যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ একেবাৰে বিনষ্ট হৈ গ'ল, আপোনালোকে সেইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যোৱা বিগত দিনত। কিন্তু সেই জুই কৰা নিৰ্বাপনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে সমৰ্থ হোৱা নাই। তেওঁলোকে বিদেশৰ বিশেষজ্ঞ আনি সেই জুই কৰা নিৰ্বাপনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম কাজ কৰাই আছোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে কেৱল আমাক এদিনৰ পাছত এদিন অকল কৈছে যে প্ৰথমে ক'লে এসপ্তাহ পাছত নুমাব, তাৰপাছত তেনেকৈ দিন বাগৰি আজি 57 দিন পালেহি। কিন্তু প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক মানুহৰ মূৰ বিষ হৈছে, প্ৰত্যেক মানুহৰ জ্বৰ হৈছে, ভূকম্পনৰ পৰা মানুহৰ অধিক মূৰ বিষ হৈছে। লগতে আমাৰ তাৰ পৰা যিটো পচন্দ চাপত শব্দ আহিছে, সেই শব্দটোৱে আমাক মানসিকভাৱে একেবাৰে কি কয় বিধ্বস্ত কৰিছে। আমি মানসিকভাৱে আমি শান্তিত থাকিব পৰা নাই। গতিকে আমি বাগজানবাসী ৰাইজে অইল ইণ্ডিয়া জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে সেই জুইকুৱা নিৰ্বাপন কৰক আৰু আমাৰ যি ক্ষতিপূৰণৰ দাবী আছিলে ক্ষতিপূৰণৰ ক্ষেত্ৰত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড তথা চৰকাৰে অতি সোনকালে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আমাক ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰক। অন্যথা মানসিকভাৱে ভাগি কৰা লোকসকলে শুক্ৰেশ্বৰ নেকৰ দৰে আগন্তুক দিনক যে আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ অধিক লোকে আত্মহননৰ পথ বাছি নল'ব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। গতিকে প্ৰসন্নজিৎ ঘোষ, পিক নিউজ, ডুমডুমা।